जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र भोजी, आज मैं हमारे देश की जनता के सामने, ये जो हमारी देशभक्त कहने वाली सरकार है, जो हमारे मोदी सरकार जो जवानों को जाकर दीपावलियों में मिठाई खिलाती है और कहती है हम जवानों के लिए सब कुछ करेंगे, तो इन झूठी सरकार का एक ड्रामा आपको बताता हूं कि इस समय इस सरकार के आदेश के तहत सेना कम की जा रही है, खासकर जवानों को कम किया जा रहा है। जो जवान हमारे ड्यू फॉर्मेशन कोर कमांड ऐसी जगह बैठे थे, वहां इमीडिएटली आदेश आ चुके हैं। लगभग सबको पता होगा कि वहां जो 15-15, 20-20 जवान जो अटैच थे, उन सबको बुलाओ और अपने अपनी रेजिमेंटों में भेजो, और वहाँ से आपको पता ही है कि कोई कैटेगरी के नाम पर, कोई किस के नाम पर जो जवान लड़ते हुए ग्राउंड में कैटेगरी हुए हैं, इस देश के लिए जिन्होंने किसी ने अपना हाथ गवा दिया, किसी ने पैर गवा दिया, ऐसा फोर्स किया जा रहा है कि इनको घर भेजो। तो इस झूठी सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ एक जगह से जो हमारे खासकर जवानों के फोन आ रहे हैं कि सर यहाँ हमने बच्चे रखे हैं और अब इमिडिएटली हमारे को मूवमेंट उठ दिया जा रहा है कि जाओ यूनिटों में जाओ भाई, अब ये वैकेंसियाँ खत्म हो रही हैं। अब इस झूठी सरकार से अगर कोई पूछे कि वहाँ उनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी अब जनवरी फरवरी तक जो बच्चों का स्कूल एंड हो जाएगा, या तो उसके बाद आप इस चीज़ को पोस्टिंग को देखते हैं, इन झूठे लोगों को इतनी शर्म नहीं आती है कि जो जवान के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो फैमिलियाँ वहाँ सेट हैं, उनका क्या होगा? क्या सबको ही अपनी तरह बिना बच्चों वाले समझ कर चल रहे हो क्या? यहां आदेश गया और उधर पे अफसरों ने बोले भाई फटाफट इनको निकालो, और अफसर से ज्यादा फिर जो बीच में हमारा रैंक है ना, वो बिना पैंदे का जो सही बोलते हैं कि वो तो बिल्कुल ऐसा हो रखा है कि भाई फटाफट फटाफट कम से कम ज्यादा नहीं तो इन लोगों को भेज दो। अब किन किन लोगों को भेज दो जो चमचागिरी नहीं करते हैं? मतलब वहां जो साहब के पास बंदे ने, एक ने मेरे को बताया कि सर यहाँ 5-6 साल से है जो हाई फॉर्मेशन में कोई ब्रिगेडियर का, कोई मेजर जनरल का, कोई कर्नल का जो सहायक बैठा है, जो उनके कुत्ते घुमा रहा है, जो उनके मैडमों के कच्चे बनियान धो रहा है, जो बच्चे खिला रहा है, उनको नहीं हिलाया जा रहा है। लेकिन जो ग्राउंड में काम करने वाले लोग, किसी ने अपने माँ बाप के लिए मेडिकल तौर पर पोस्टिंग ली थी, किसी ने बच्चे पढ़ाने के लिए पोस्टिंग वहां मांगी थी, उनको बाई फोर्स किया जा रहा है कि भाई ये तो किसी काम के नहीं है। मतलब जो सरकारी काम कर रहे हैं, सेना का काम कर रहे हैं, वो काम के नहीं है। जो अफसरों की गुलामी कर रहे हैं वो काम के हैं, उनको तो रखा जा रहा है, इनको भेजा जा रहा है। आदेश है इस गूंगी बहरी सरकार का जो झूठी देशभक्त बन रही है। और ऐसी ही बहुत सी समस्या जिनके लिए हम लड़ना चाहते हैं, लेकिन लड़े किसके लिए? इसमें से आते ही हमारे दुश्मन ने हमने कह दिया कि भाई आपको पता है कि सबसे बड़ा दाग मैं मानता हूं इस वर्दी पर सहायक प्रथा का। जब पहले बोलते थे ना काले अंग्रेज अफसर होते थे और जवान भारतीय, तब इनको गुलाम समझ के घरेलू काम कराए जाते थे, लेकिन आज भी हो रहे हैं। चाहे सेना हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, यहां तक पुलिस फोर्स हो, कोई मुंह खोले उसको टारगेट बना दिया जाता है। रविंद्र भोजी लड़ रहा है उसके लिए कि भाई हम फेस टू फेस, आज वो लड़ाई तो नहीं है कि भाई कोई गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़ो या कोई और तरीका है। आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा तरीका है कि भाई या तो इनको वोट से वंचित करो, वो तुम करोगे नहीं, वोट भी भर भर कर दे रहे हो इनको, तो भी एक ही तरीका रह गया। मैंने तो बता दिया कि भाई अब वाराणसी में मोदी जी के सामने चुनाव लड़ेंगे और वहाँ मोदी जी को दिखाएंगे कि साहब ये गलत हो रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मोदी जी को इन चीज़ों का पता ही नहीं है, मोदी जी को पता नहीं कि हमारी आधी सेना, चाहे सेना हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, इन अधिकारियों की अय्याशी में लगी हुई है। 20% लोग तो फिक्स इनके घरों में सिर्फ सहायक बैठे हैं, उसके अलावा इनकी किट्टी पार्टी, इनके बर्थडे, इनके रिश्तेदारों की शादियां, इसमें जवान लगे हुए हैं। कोई मैडम की साड़ी बताने के लिए गाड़ी घूम रही है, कोई इनके कुत्ते को दिखाने के लिए गाड़ी घूम रही है। जवान आपको दिख जाएंगे बाथरूम के गेट पर बैठकर सोते हुए, जाते हुए टीडी वगैरह में, टेम्पो में जाते हुए। जो जवानों के लिए गाड़ियां हैं वो इनकी मैडमें और बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं देख रहा। सब बोलते हैं मोदी जी को पता नहीं। एक दो अच्छे अफसर हैं, मैं फिर कह रहा हूं
हमारे भी साथ बहुत से अच्छे अधिकारी जुड़े हुए हैं जो चाहते हैं कि हाँ ये चीजें खत्म हो, लेकिन फ्री का कौन छोड़ना चाहता है? आप लोगों को लगता है कि रविंद्र फौजी की लड़ाई में हमें शामिल होकर लड़ना चाहिए इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ, तो भैया हमारा सपोर्ट और सहयोग करो, नहीं तो फिर भुगतते रहो। कम से कम ये वीडियो शेयर करके मोदी जी तक, ठीक है नहीं लड़ सकते तो ये वीडियो तो पहुंचा दो। कहते हो कि मोदी जी को पता नहीं, तो उसको तो पता हो, इतनी तो समझ होनी चाहिए उनके अंदर कि बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय, तो कम से कम उनको समय दिया जाए कि भाई ठीक है आप दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च तक पेपर हो जाएंगे, मार्च के बाद ये जो अदला बदली कर रहे हो या ये फौज सेना कम करने का विचार कर रहे हो, जो भी आपका ड्रामा है क्या है, आपको कौन से अधिकारी गाइड कर रहे हैं, उनको बोलो कि तुम तो, तुम्हारे कहीं भी जाओ तुम्हारे तो बहन जो 24 घंटे बच्चे साथ चलते हैं, कहीं भी जाओगे पूरी सुविधाएं मिलती हैं, जवानों का क्या है, वो कहाँ अपने बच्चों को सेटल करेगा, कहाँ अपने माँ बाप को सेटल करेगा? तुम्हारी अफसरों की तरह तो नहीं है कि माँ बाप बाढ़ में जाए, सिर्फ मियाँ बीबी और बच्चे, बाकी को देखना नहीं है, उसका तो पूरा परिवार की जिम्मेवारी है। इन सब की लड़ाई के लिए मैं फिर हमारे जवानों को कहना चाह रहा हूं कि इन झूठे देशभक्तों के चक्रों में फंस फंस के एक दिन पछताओगे, जैसे अग्निपथ थोप दी गई, धीरे धीरे तुम्हारी जो पेंशन पैरामिलिट्री की जैसे बंद हुई ना, जैसे तुम्हारी बंद हो जाएगी, फिर ढूंढते रहना और ओआरओपी एमएसपी, जब आपके आगे पेंशन ही नहीं होगी तो कहां से ओआरओपी होगी, कहां से एमएसपी मिलेगी आपको? लड़ लो अभी भी। मैं फिर कहता हूं, मैंने कभी ऐसी मांगने की लड़ाई नहीं, लेकिन जो नाजायज हो रहा है उसको खत्म करने की मैं लड़ाई लड़ता हूँ, और वो खत्म होना चाहिए। गुलामी सेना में जो जवानों से कराई जा रही है, घरेलू वर्क कराए जा रहे हैं, खत्म होना चाहिए, जवान को उसका हक मिलना चाहिए। विदेश तर्ज पर अग्निवीर लाए हो, लेकिन बाहर एक हवलदार की क्या वैल्यू है? हमारे हवलदार तो आज सेना में गार्ड में खड़ा है बेचारा, ड्यूटी दे रहे हैं, नाइट ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि जवान इतने बचे हैं, डिफी चल रही है सेना, उसमें भी कम करे जा रहे हैं, और सहायक कम नहीं होंगे। सहायक के लिए तो एसएम साहब और जेएसओ साहब लगा लगा के स्टिकर बोलेंगे कि हमें पता नहीं, चाहे पैदा करो, लेकिन भाई सीओ के 10 बंदे जाने तो भेजना ही है, कमांडर साहब के पास भेजना है तो भेजना ही है। तो कुछ उस रैंक को भी कहना चाहता हूँ कि ये जो इधर उधर की खबरें चलाकर समाचार चैनल खोलकर बैठे हो, इस लड़ाई के लिए भी लड़ दो। ये जवानों को जो झूठा बल्ले ये मिल रहा है, फलाना दे रही है सरकार, फलाना दे रही है, इस लड़ाई को कमजोर करने, बोलते हैं ना जब घर का भाई कर लू तो क्या करेगा पांडू, हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं। अब जो लड़ाई लड़ने का वक्त आया 2024 की, तो ये सरकार के गुणगान गा के और पूरा क्या करना चाहते हैं पता नहीं। चलो जिनकी जैसी सोच है, मेरा संदेश सरकार तक पहुंच जाए, और मैं फिर कहता हूँ वीडियो को शेयर करें, चैनल से ज़्यादा जुड़ें, और 2024 में वाराणसी से, भाई मैं तो अपनी जैसी मेरी हिम्मत है उसी हिसाब से चुनाव लड़ रहा हूँ मोदी जी के सामने, और इन समस्याओं के लेके, ना कि सीट पर बैठने के लिए। आप साथ देते हो तो ठीक है, नहीं देते हो तो फिर भुगतना आगे आगे, पता नहीं किसको अग्निवीर बनाया जाएगा, किसके बच्चों की, जैसे इनकी भर्तियां कैंसिल हुई, ये राजस्थान में तो बोलते हैं बच्चों का भविष्य बर्बाद, आपने कितने लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, आर्मी एग्जाम कैंसिल करके, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग कैंसिल करके, वो नहीं देखेंगे, लेकिन हमारे ही अंधभक्त हैं, दोनों हाथों से बजाए जा रहे हैं, बस सरकार जो कर रही है अच्छा है, करो, जब तुम्हारा नंबर आएगा फिर पता चलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।